चैन इनके बिन आएगा, रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर दर्शन की महिमा बड़ी, इनके दर्शन की महिमा बड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, तेरा दिल भी यही गाएगा, साधना हर साधक को करनी चाहिए। और साधना का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, हम सुबह नहा धोकर जप करने बैठ गए वही साधना। कई लोग बोलते हैं कि हम जप करने, हम साधना करते हैं पर मन नहीं लगता, तो साधना खाली इसको ही बोलते हैं। बस 10 माला जप कर ली, थोड़ा पाठ कर लिया, 10 प्राणायाम कर लिए, साधक का जीवन साधन परायण होता है, उसकी पूरा दिन साधना होती है। और साधन परायणता क्या है, गुरु चरणों में रहकर मैंने सुना है, समझा है कि निर्विकार रहना ही साधन परायणता है। सम रहना ही साधन परायणता है। किसी के प्रति आकर्षण भी न हो और विकर्षण भी न हो। मेरे को किसी के प्रति आकर्षण नहीं, मेरे को किसी के प्रति आकर्षण नहीं, ये विकर्षण है। विकर्षण भी नहीं होना चाहिए। आकर्षण तो नहीं होना चाहिए, विकर्षण भी घाटा ही करता है। तो निर्विकार रहना वो साधन प्राणता। और निर्विकार माने कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कोई अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, कभी कुछ घाटा हो जाए, कभी नुकसान हो जाए, हो नहीं उसकी सावधानी रखें पर हो जाए तो निर्विकार रहे। कर्जा न बढ़े सिर पर सावधान रहे, पर अगर हो तो निर्विकार रहे, शांत रहे। जिनके सिर पे कर्जा हो ना, अगर वो चिंता न करना, आने वाले दिनों में देखेंगे अवसर मिला तो एक उपाय है ऐसा जो करने से लाभ होता है, ऋण मुक्ति पाने में सफलता मिलती है।
ये गुरुदेव का दरबार ऐसा है ना, कल मुझे एक दिल्ली के भाई मिले, कल की आपको ताजा खबर सुनाऊं, कल मुझे मिले शाम को, बोले मुझे पिछले कुछ महीनों में 20 लाख रुपए का फायदा हुआ, 20 लाख रुपए का व्यापार अच्छा है उनका बड़ा, पर 20 लाख रुपए बोले मुझे फायदा हुआ, भार उतर गया मेरे सिर से सारा पिछले कुछ महीनों में, कल मुझे बता रहे थे, सत्संग के बाद की बात बता रहा हूँ। और वो साधक इतने अच्छे हैं, निर्विकार रहना मानते हैं, जानते हैं, बीच में थोड़ी परिस्थिति ऐसी आई थी पर निर्विकार रहते थे। मैं उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता देखता था, समता देखता था। तो ये बड़ी साधना है। तो जो बोलते हैं मेरा जप में मन नहीं लगता, वो ये साधना करें मन लगेगा, प्रश्न ही नहीं रहेगा मेरा मन नहीं लगता। ये बहुत साधारण आदमी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, मेरा मन नहीं लगता। पर जो निर्विकार रहना सीख ले, निर्विकार रहा कोई चिंता नहीं रही तो मन लगा हुआ ही है। सती को राम जी के प्रति संशय हुआ, अश्रद्धा हुई, तो सती कहती है मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। शिव जी को कहा आप भी मेरे साथ चलो, तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने इतना ही कहा कि देवी तुझे जाना है तो जा, परंतु एक बात याद रखना, विश्वास कभी भी वहम के मार्ग का यात्री नहीं बनता, विश्वास वहम के पीछे नहीं जाता। तो मैं तेरे साथ क्यों आऊं, तेरे मन में शंका है, मैं नहीं आऊंगा। तो शिव जी सती के साथ नहीं गए। जिसके मन में भी वहम हो ना, उसका साथ रखने जैसा नहीं है, ये शिव जी ने शिक्षा दी है। पर अपन लोग ऐसे हैं कि शिव जी से भी ज्यादा होशियार बनने जाते हैं, इसलिए मार खाते हैं। नहीं नहीं बोले मैं तो इसको ठीक कर रहा था, नहीं नहीं मैं तो इसका शंका समाधान कर रहा था। तेरा हुआ है पहले समाधान, दूसरे का करने निकला? एक आदमी ने एक संत को सवाल पूछा, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए? संत ने कहा तूने अपने को शिक्षा दी है पहले, बच्चों को देने निकला है, खुद को शिक्षित किया तूने? जबरदस्ती किसी पर थोपने निकल पड़ते हैं। एक आदमी अपने बेटे को कह रहा था महाराज को प्रणाम कर, प्रणाम कर, पगे लाग, महाराज ने पगे लाग, बेटा झुके ही नहीं। तो संत ने उस बच्चे के बाप को कहा कि तू बेटे पर थोप रहा है, झुक जा, झुक जा, प्रणाम कर, तू झुका नहीं और उसको कह रहा झुक जा, तू झुक ना पहले, तू प्रणाम कर, तेरे को देखकर वो अपने आप कर देगा। बाप कर नहीं रहा था, बेटे को बोले प्रणाम करो, प्रणाम करो। कई लोगों को मैं भी देखता हूँ, बच्चों को लाते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम कर, खुद करेंगे नहीं, बेटे को बोलेंगे तू प्रणाम कर, प्रणाम कर, क्यों करेगा बेटा? बच्चे उपदेश कम लेते हैं, अनुकरण ज्यादा करते हैं, उपदेश की असर नहीं होती उन पर ज्यादा।